स्वागत आप सभी का, आपके साथ हूं मैं हूं पुनीत मिश्रा और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान बेहद सीक्रेट था और उस समय इस बात से हर कोई हैरान था, किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। बस अगर कुछ पता था तो ये कि कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम के फैसले से विरोधी भी चौंक उठे थे। आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला पीएम मोदी का ऐसा दांव था जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। जब तक कोई सोचता तब तक पीएम मोदी ने खेल कर दिया था। क्या था वो सीक्रेट प्लान जिसने रातों रात जम्मू कश्मीर की फिजा बदल दी? रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी नाम के वो सज्जन है जो इतिहास में जाने जाएंगे। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। चौका लगाना है, जो छक्का लगाना है वो खुद लगाते हैं, फिर आप एक एक दो दो रन करके के लिए तरसते रहिए। 5 अगस्त 2019 की सुबह तक किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा, जबकि इस तारीख से कुछ दिन पहले से जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के जमावड़े से ये तो लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन राज्य का विशेष दर्जा ही खत्म हो जाएगा, ये बात कुछ मजाक सी लग रही थी। लेकिन अपने फैसलों से हमेशा चौंकाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी सबको चौंकाया। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को भी आप इसी की कतार में रख सकते हैं। इस मिशन की गोपनीयता विरोधियों को चौंकाने की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा भी थी, जो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के लिए तैयार नहीं हो पाते। यानी कि मिशन इतना सीक्रेट रहा कि विपक्ष के भी होश उड़ गए। मोदी के आने के बाद में जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है सत्ता में और जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में परिवर्तन हुआ, वो एक्सेस कम होती गई, सीक्रेसी बढ़ती चली गई और जो बात उनके मन में है वो मन में रहती रही और सही समय पर सामने आई। आप चाहे राज्यपालों की नियुक्ति का मामला हो, राष्ट्रपति की नाम को लेकर के चर्चाएं बहुत सारी होती हैं, पार्टी अध्यक्ष को लेकर के हुई और न जाने कितने फैसले ऐसे हुए 370 से लेकर के और आगे तक जितने फैसले हुए, वो सब अचंभित करने वाले फैसले साबित रहे। सवाल है कि इस फैसले को इतना गोपनीय कैसे बनाए रखा गया, कैसे किसी को कानों कान भनक नहीं होने दी गई? जम्मू कश्मीर के जो बड़बोले नेता 370 के खात्मे पर ईंट से ईंट बजाने की धमकी देते थे, पीएम मोदी ने उनको भी दिन में तारे दिखा दिए। अनुच्छेद 370 को संविधान से मिटाने वाला मिशन इतना गोपनीय और कामयाब इसलिए रहा क्योंकि इसकी गोपनीयता की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्तर से संभाली थी। बताते हैं कि 4 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सामान्य सी कार में राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे पीएम, बिना वाहनों के बड़े काफले के पहुंचे थे पीएम। केंद्र के इस बड़े फैसले की जानकारी देनी थी। प्रधानमंत्री जिस कार से राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे वो कोई खास कार नहीं थी, प्रधानमंत्री के साथ उनका सुरक्षा घेरा भी नहीं था, एक आम कार के साथ प्रधानमंत्री अकेले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। इसके पीछे खास रणनीति थी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात के बारे में विपक्ष को कोई भनक न लगी। पीएम मोदी को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एजेंडा कितना संवेदनशील था। वो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास सामान्य शिष्टाचार मुलाकात के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि देश में संविधान बनने के साथ एक सबसे विवादास्पद विषय को हमेशा हमेशा के मिटाने के इरादे की जानकारी देने जा रहे थे। वो हर चीज को बहुत सोच समझ के एक अंतिम लक्ष्य की पूर्ति का एक रोड मैप बना करके तब वो काम करते हैं और ये 370 का मामला क्योंकि बहुत पुराना था, बहुत सही तरीके से लागू करना था और कैसे लागू किया जाए, लेकिन इसमें मोदी और अमित शाह दोनों की भूमिका बहुत बड़ी है। मोदी सरकार के लिए तब राजनीतिक तौर पर यह फैसला करना बहुत ही जोखिम भरा था। पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को चौंकाया और इस जोखिम को उठाते हुए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया, जबकि राज्यसभा में सरकार के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। बिल को राज्यसभा में पहले पेश करने की योजना की स्क्रिप्ट भी पीएम मोदी ने खुद ही लिखी थी। पीएम का प्लान संसद थी अनजान। पीएम के योजनाबद्ध तरीके से पेश किया बिल लोकसभा में पहले पेश करने पर होती मोर्चाबंदी, विपक्ष को मोर्चाबंदी के लिए मिल जाता समय, लोकसभा में सरकार को
कोई परेशानी नहीं थी। जब तक विपक्ष जान पाता तब तक खेल हो गया। और उससे उनको ये था कि हमको हम पहले राज्यसभा में करें तो ज्यादा लाभ होगा। लाभ ये होगा कि लोकसभा में क्योंकि वहाँ पार्टियाँ बड़ी हैं, चाहे वो टीएमसी हो या और रही हो, तो उनका हुल्लड़ हंगामा ज़्यादा होता अगर पहले पेश गया। आमतौर पे लोकसभा में पहले पेश गया था, लेकिन उन्होंने चुना उसको राज्यसभा से और फिर वो लोकसभा में जानते थे हम पारित करा ही ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करना, संविधान से आर्टिकल 370 को मिटाना बीजेपी की स्थापना के समय के बुनियादी संकल्पों में शामिल था। ये संकल्प पार्टी के साथ ही खुद पीएम मोदी के लिए भी अहम था। पीएम मोदी ने अपने इस फैसले को लेकर राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह नहीं की। उन्हें लगा कि जनता ने जितना बड़ा जनादेश दिया है, ऐसे में पार्टी के इस बुनियादी संकल्प के लिए बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला राष्ट्र हित में लेते हैं, वो उसका नफा नुकसान राजनीतिक रूप से नहीं देखते। इसी वजह से धारा 370 हटाने का फैसला हो या देश में नोटबंदी लागू करने का फैसला हो, उन्होंने बिना किसी राजनीतिक नफे नुकसान के लिया। पीएम मोदी की बेहतर रणनीति अब बेजोड़ प्लानिंग के चलते आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर में बवाल की सारी आशंकाएं बेकार साबित हुई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि आर्टिकल 370 हटाने के बारे में सोचना भी देश को उपद्रव की आग में झोंकने जैसा हो सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इन आशंकाओं की नाक में नकेल कसने का काम किया और सारे दावों की हवा निकाल दी। कश्मीर की सड़कों पर किसी ने पत्थर तक नहीं फेंके और न ही किसी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का दुस्साहस किया। सरकार का भी यही कहना है कि सिर्फ अनुच्छेद 370 के खत्म होने मात्र से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आई है और यहाँ की वादियाँ एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार है। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में एक ऐसा भी दिन था जब आतंकवादी यासीन मलिक जैसे देशद्रोही खुलेआम घूमते थे। ऐसे आतंकियों को हाथ लगाने तक पर सरकार के हाथ कांपते थे। एक आज का दिन है जब ऐसे देशद्रोहियों के दिन लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।